नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम थॉमस हॉब्स की वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं। थॉमस हॉब्स वीडियो सीरीज़ के 3 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखिए, तब आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। तो थॉमस हॉब्स वीडियो सीरीज़ का ये पार्ट 4th वीडियो है, जिसमें हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, हॉब्स ऑन स्टेट एंड हॉब्स ऑन यूटिलिटेरियनिज्म। यानी कि स्टेट से हॉब्स क्या समझते हैं, स्टेट के बारे में हॉब्स के क्या विचार हैं, और यूटिलिटेरियनिज्म से उनका क्या संबंध है। तो आइए देखते हैं हॉब्स ऑन स्टेट। अब देखिए, हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये देखा था कि थॉमस हॉब्स उस दौर से बिलोंग करते हैं जब वो पूरा वॉर का टाइम चल रहा था, पूरा क्योस का माहौल था, लड़ाई का माहौल चल रहा था प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच में। यानी कि जो लोग पार्लियामेंट को सपोर्ट करते हैं और जो लोग किंग के रूल को सपोर्ट करते हैं, वो दोनों आपस में भिड़ गए थे। वॉर का पूरा माहौल, केओस का माहौल चल रहा था, पूरा बहुत ज़्यादा केओटिक माहौल था। ये सब हमने पार्ट 1 में देखा है। तो हॉब्स की सोच भी उसी हिसाब से थी। उन्होंने वो दौर देखा है जब कोई भी अथॉरिटी नहीं थी कंट्रोल करने के लिए, और अथॉरिटी की कमी में यानी कि बिना किसी, कोई ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं था जो लोगों को कंट्रोल कर सके, ठीक है। वो दौर भी उन्होंने देखा है। तो उन्होंने वो दौर जो देखा है, तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, अगर लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है, तो लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे को ही मारना शुरू कर देंगे। तो वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो जाएगा, जब हमारी जान भी हम नहीं बचा पाएंगे। तो जान चली जाए, इससे अच्छा है कि हम सारे लोग मिल करके आएँ, आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करें, और सारा पावर जो है, सारी अथॉरिटी एक किसी एक को दे दें जो हमें रूल करे, जो हमें गवर्न करे, ताकि कम से कम हमारी जान बची रह सके। हम उसकी सारी बात मानेंगे, बस वो हमारी जान ना ले, हमारी जान को, हमारी लाइफ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो ये सब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियोरी में डिस्कस करेंगे। ये सब मैं यहाँ पे आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि स्टेट पे हॉब्स के विचार क्या हैं। तो हॉब्स सोचते हैं स्टेट वो सॉवरेन है, वो संप्रभु है, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, कंप्लीट पावर है लॉ बनाने का, कानून बनाने का, और जो उस लॉ को तोड़े उसको पनिश करने का। तो ये विचार कहाँ से आता है, ये वहाँ से आता है, उस दौर, जिस जो दौर उन्होंने देखा है कि पूरा लड़ाई का माहौल चल रहा है, कोई रूल करने के लिए नहीं है, कोई कंट्रोल करने के लिए नहीं है, तो लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, हर किसी को अपनी जान की सुरक्षा जो है, लाइफ की सिक्योरिटी किसी की नहीं है। तो ऐसे माहौल में हॉब्स को ऐसा लगता है कि एक ऐसा सॉवरेन होना चाहिए, आओ हम सब मिल करके आपस में एक समझौता करें, एक कॉन्ट्रैक्ट करें, और फिर सारा पावर किसी एक को दे दे जो हमें रूल करे, जो कम से कम जो हमारी लाइफ को सिक्योर करके रखे। वो जो भी कहेगा हम मानेंगे, बस वो हमारी लाइफ को सिक्योर करके रखे। तो इसीलिए हॉब्स को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हॉब्स स्टेट के बारे में ये सोचते हैं। स्टेट क्या है, अगर आप हॉब्स से पूछें तो हॉब्स कहेंगे स्टेट एक ऐसा सॉवरेन है, एक ऐसा संप्रभु है या होना चाहिए, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, कंप्लीट पावर है, उसके ऊपर किसी का पावर नहीं है, उसके पास पूरा अधिकार है। और उसके पास क्या अधिकार है, कि वो कानून बना सकता है, और जो भी उस कानून को तोड़े उसको वो पनिश कर सकता है। तो व्हाट इज स्टेट अकॉर्डिंग टू हॉब्स? सो अकॉर्डिंग टू हॉब्स, स्टेट इज अ sovereign, that is it has absolute power to make law and punish the law breaker. State एक ऐसा sovereign है, एक ऐसा संप्रभु है, जिसके पास absolute power है, complete power है कि वो कानून बना सकता है, और जो भी उस कानून को तोड़ता है उसको वो सजा भी दे सकता है। अब ये लॉ क्या है, कानून क्या है? तो थॉमस हॉब्स कहते हैं वही लॉ है, वही कानून है जो स्टेट या गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है। और एंड दैट लॉ इज लॉ विच कम्स विद दैट कम्स फ्रॉम स्टेट एंड दैट विच कम्स विद द पावर ऑफ पनिशमेंट। यानी कि जब हॉब्स से हम अगर पूछें कि कानून क्या है, तो वो कहेंगे वही कानून है जो स्टेट ने बनाया है, और अगर उस कानून को कोई तोड़े तो अगर उसको पनिश करने का पावर है स्टेट के पास, तो वही कानून है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि स्टेट क्या है हॉब्स के अनुसार। तो हॉब्स के अनुसार स्टेट एक ऐसा सॉवरेन है, एक ऐसा संप्रभु है, जिसके पास टोटल कंप्लीट एब्सोल्यूट पावर है लॉ बनाने का, और जो उस लॉ को तोड़े उसको पनिश करने का। और लॉ क्या है, वही लॉ है जो उस स्टेट या गवर्नमेंट ने बनाया है, और जो उस अधिकार के साथ आता है कि अगर कोई उस लॉ को तोड़े तो जो स्टेट या गवर्नमेंट है वो उसको पनिश कर सके, ठीक है। ये विचार है हॉब्स के
स्टेट के ऊपर। अब देखो फंक्शन ऑफ स्टेट क्या है, स्टेट के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो थॉमस हॉब्स कहते हैं, देखो सबसे पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हॉब्स ने एक क्योटिक माहौल देखा है, एक वॉर वाला सिनेरियो देखा है जहाँ पे लोगों की लाइफ की सिक्योरिटी नहीं थी। तो थॉमस हॉब्स जो है वो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि सारे लोग आओ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करो, एक को सॉवरेन बनाओ, संप्रभु बनाओ, सारा पावर उसको दे दो और वो हमें रूल करे ताकि हमारे लाइफ का प्रोटेक्शन हो सके, वो हमारे लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। और वो कुछ भी करे, जो भी वो लॉ बनाएगा वो हमको फॉलो करना पड़ेगा। बस अगर वो हमारी जान लेने की कोशिश करे तभी हम उसके अगेंस्ट कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि हमने उसे इसीलिए बनाया है कि हमारी जान की सुरक्षा हो सके, हमारी लाइफ की सिक्योरिटी हो सके। और अगर हमारी लाइफ ही वो लेने लगे तभी हम उसके खिलाफ कुछ बोल सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो स्टेट या गवर्नमेंट है, ये जो सॉवरेन है ना, जो संप्रभु है, जो ये स्टेट या गवर्नमेंट है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, कि वो लोगों के लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखे। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेट फॉर विच स्टेट एग्जिस्ट्स इज प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। जो स्टेट या गवर्नमेंट है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसके लिए उसको बनाया गया है वो है कि वो लोगों की लाइफ को सिक्योर करके रखे, लोगों की लाइफ को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे, ठीक है। और जो स्टेट या गवर्नमेंट ये जो है लाइफ को, लोगों के लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, वो एक फेल्ड स्टेट है, वो एक फेल्ड गवर्नमेंट है, ठीक है। और इफ स्टेट इटसेल्फ स्टार्ट्स टेकिंग लाइफ ऑफ पीपल देन पीपल विल हैव राइट टू रेजिस्ट द स्टेट। और अगर खुद स्टेट या गवर्नमेंट या जो सॉवरेन है जिसे सारा पावर दिया गया है वो खुद ही अगर लोगों की जान लेने लगे तब लोगों के पास अधिकार है कि वो उसके खिलाफ बोल सकते हैं, उसे रेजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टेट का। तो हमने देखा कि स्टेट क्या है, थॉमस हॉब्स के हिसाब से स्टेट या गवर्नमेंट एक ऐसा सॉवरेन है, एक ऐसा संप्रभु है जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, टोटल पावर है कानून बनाने का, और जो उस कानून को तोड़े उसको पनिश करने का। और कानून क्या है, वही कानून है जो स्टेट ने बनाया है, जो उस संप्रभु ने, जो उस सॉवरेन ने बनाया है, वही कानून है। और उस संप्रभु, उस सॉवरेन, उस स्टेट के पास, उस गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि जो उस कानून को तोड़े वो उसको पनिश कर सकता है, ठीक है। और उस स्टेट या गवर्नमेंट का क्या फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टेट का कि वो लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करे, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे। और जो स्टेट या गवर्नमेंट प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ नहीं प्रोवाइड कर रहा है, लोगों की लाइफ किसको सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है, वो एक फेल्ड स्टेट है। और अगर स्टेट खुद ही लोगों की जान लेना शुरू कर दे तो लोगों के पास ये अधिकार है कि वो उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, उसके खिलाफ बोल सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टेट का कि वो लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करे। अब हम देखेंगे हॉब्स ऑन यूटिलिटेरियनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म से हॉब्स का क्या संबंध है। अब ये समझ लीजिए कि यूटिलिटेरियनिज्म होता क्या है। तो यूटिलिटेरियनिज्म इज अ थियोरी विच फेवर्स एक्शंस दैट फॉस्टर हैप्पीनेस और प्लेजर एंड अपोजेस एक्शंस दैट कॉज अनहैप्पीनेस और हार्म और पेन। यूटिलिटेरियनिज्म से आप मतलब क्या है यूटिलिटेरियनिज्म का, तो यूटिलिटेरियनिज्म जो है ना वो एक ऐसी थियरी है जो आपके उन सारे एक्शंस को फेवर करती है जो आपको खुशी देते हैं, और उन सारे एक्शंस को अपोज करती है जो आपको, जिनसे आपको दर्द होता है जो करने से। यानी कि यूटिलिटेरियनिज्म की जो थियरी है वो कहती है वो सारे काम करो जिससे तुम्हें खुशी होती है और वो सारे काम अवॉइड करो जिससे तुम्हें दुख होता है, ठीक है। तो यूटिलिटेरियनिज्म को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप वो सारे काम करेंगे जिससे आपको खुशी होती है और वो सारे काम नहीं करेंगे जिससे आपको पेन होता है। आपको पावर क्यों चाहिए, पावर इसीलिए लोगों को चाहिए ना ताकि उन्हें खुशी हो सके। कोई भी चीज़ के पीछे वो कंटिन्यूसली भागते हैं ताकि उन्हें खुशी हो, ये ह्यूमन नेचर है कि वो उस चीज़ को करना चाहता है जो करने से उसको खुशी होता है और वो सारी चीज़ें अवॉइड करता है जो करने से उसे दुख होता है। तो यूटिलिटेरियनिज्म की जो थियरी है वो यही कहती है कि आप वो सारे काम करो जो करने से आपको खुशी होती है और वो सारे काम अवॉइड करो जो करने से आपको नुकसान होता है, दुख होता है, पेन होता है, ठीक है। तो थॉमस, ऐसा कहा जाता है कि थॉमस हॉब्स ने ही यूटिलिटेरियनिज्म का फाउंडेशन रखा। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हॉब्स खुद ये कहते हैं कि इंसान जो है, इंसान का ऐसा नेचर होता है ना कि वो हमेशा प्लेजर चाहता है, वो हमेशा खुशी चाहता है, वो हमेशा चाहता है उसे खुशी हो, प्लेजर मिले, आनंद मिले उसे हमेशा, ठीक है। और वो पेन को अवॉइड करना चाहता है। ह्यूमन नेचर को इस तरह से थॉमस हॉब्स ने डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था ह्यूमन का ऐसा नेचर है, मैन का ऐसा नेचर है कि वो हमेशा प्लेजर चाहता है, हमेशा आनंद खुशी चाहता है और हमेशा वो पेन को अवॉइड करना चाहता है। इंसान के अंदर ये कंटिन्यूस डिजायर रहती है उन चीजों के लिए जो उन्हें खुशी देते हैं, ठीक है।
उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इंसान भागते हैं, पावर, पैसा, घर, गाड़ी, ये सारी चीज़ों के पीछे। अभी की का एग्जांपल ले ले तो गाड़ी, बंगला, तो ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इंसान क्यों भागता है? क्योंकि उसे खुशी चाहिए, प्लेजर होता है। अगर किसी के पास वो चीज़ है, वो उस मटेरियलिस्टिक चीज़ के पीछे भागने लगेगा कि मुझे भी वो गाड़ी चाहिए ताकि उसे खुशी हो सके, और वो सारे काम अवॉइड करना चाहता है जिससे उसे दुख होता है। तो थॉमस हॉब्स ह्यूमन नेचर को ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि ह्यूमन का ये नेचर है, मैन का नेचर है कि उसे प्लेजर चाहिए, खुशी चाहिए, और वो हमेशा पेन को अवॉइड करता है। उसके अंदर हमेशा ये डिजायर रहती है उन चीजों के लिए जो उन्हें खुशी देते हैं। ये ह्यूमन नेचर को ऐसे डिफाइन करते हैं थॉमस हॉब्स। इसीलिए कहा जाता है कि थॉमस हॉब्स ने ही यूटिलिटेरियनिज्म का फाउंडेशन रखा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि मैन यूटिलिटेरियन है बाय नेचर, तो मैन इंडिविजुअलिस्टिक भी है। क्यों? देखो, यूटिलिटेरियनिज्म की थियोरी क्या कहती है कि जो इंडिविजुअल है उसको प्लेजर चाहिए, वो प्लेजर को सीक करता है, प्लेजर चाहता है, आनंद चाहता है, और पेन को अवॉइड करता है। तो ये कहती है यूटिलिटेरियनिज्म की थियोरी। तो ये जो प्लेजर और पेन है वो कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? एक इंडिविजुअल ही तो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो अगर एक इंसान जो है वो यूटिलिटेरियन है तो वो साथ ही साथ इंडिविजुअलिस्टिक भी है, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म की थियोरी जो कहती है कि प्लेजर को गेन करो और पेन को अवॉइड करो, तो ये प्लेजर और पेन को कौन एक्सपीरियंस करेगा? इंडिविजुअल एक्सपीरियंस करेगा। तो अगर मैन यूटिलिटेरियन है तो वो साथ ही साथ इंडिविजुअलिस्टिक भी है। ठीक है, तो थॉमस, तो बेसिकली इस टॉपिक का मतलब यही था। थॉमस हॉब्स जो है वो यूटिलिटेरियनिज्म को कहा जाता है कि थॉमस हॉब्स जो है उन्होंने ही यूटिलिटेरियनिज्म का फाउंडेशन रखा। क्यों? क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहती है? वो सारे काम करो जो तुम्हें प्लेजर देते हैं, और वो सारे काम अवॉइड करो जो तुम्हें पेन देते हैं। ठीक है, और थॉमस हॉब्स क्या कहते हैं ह्यूमन नेचर को? वो कहते हैं कि ह्यूमन का ऐसा नेचर है, मैन का, कि वो जो है प्लेजर सीक करता है, वो चाहता है कि उसे आनंद मिले हमेशा, और वो सारे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागता है, वो सारी चीज़ों के पीछे भागता है जो उसे खुशी देती है, और वो सारी चीज़ों को अवॉइड करता है जो उसे पेन देती है। ऐसा नेचर होता है ह्यूमन का, ये कहा था थॉमस हॉब्स ने। तो ये इसीलिए ये कहा जाता है कि थॉमस हॉब्स ने यूटिलिटेरियनिज्म का फाउंडेशन रखा। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा कि हॉब्स जो है वो स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं और यूटिलिटेरियनिज्म से उनका क्या संबंध है। तो थॉमस हॉब्स जो है वो स्टेट को कैसे डिफाइन करते हैं, स्टेट क्या है? हॉब्स से अगर आप पूछें स्टेट क्या है, तो थॉमस हॉब्स कहेंगे स्टेट वो सॉवरेन है, वो संप्रभु है, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है, टोटल पावर है कि वो कानून बना सकता है और जो भी उस कानून को तोड़े उसको पनिश कर सकता है। और कानून क्या है? कानून वही कानून है वही लॉ है जिसे स्टेट या गवर्नमेंट ने बनाया है, और अगर उस स्टेट या गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि जो उस कानून को तोड़े जो उसने बनाया है वो उसको पनिश कर सकता है, वही कानून है। ठीक है, तो ये सोच है हॉब्स की स्टेट के ऊपर। और स्टेट फंक्शन कैसे करता है, व्हाट इज़ द फंक्शन, स्टेट का फंक्शन क्या है हॉब्स के हिसाब से? तो हॉब्स के हिसाब से स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, और जो स्टेट या गवर्नमेंट ये काम करने में फेल कर गया, लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, वो एक फेल्ड स्टेट है। और अगर स्टेट खुद लोगों की जान लेने लगे तो लोगों के पास अधिकार है करने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है स्टेट का? लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म पे हॉब्स का क्या सोच है, यूटिलिटेरियनिज्म से हॉब्स का क्या संबंध है? तो हॉब्स को कहा जाता है कि उन्होंने ही यूटिलिटेरियनिज्म का फाउंडेशन रखा। क्यों? क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी कहती है कि प्लेजर को सीक करो, वो सारे काम करो जो प्लेजर देती है, और वो सारे काम अवॉइड करो जो पेन देती है। और हॉब्स जो है वो भी ह्यूमन नेचर को ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि मैन की टेंडेंसी होती है कि वो सारे काम करना चाहता है जो उन्हें प्लेजर देता है, और वो सारे काम अवॉइड करना चाहता है जो वो पेन देता है। इसीलिए कहा जाता है कि थॉमस हॉब्स ने ही यूटिलिटेरियनिज्म का फाउंडेशन रखा। और अगर मैन यूटिलिटेरियन है तो वो साथ ही साथ इंडिविजुअलिस्टिक भी है। क्यों? क्योंकि जो ये यूटिलिटेरियनिज्म की थियोरी जो प्लेजर और पेन की बात करती है, तो ये दोनों एक्सपीरियंस इंडिविजुअल ही तो एक्सपीरियंस करता है इन दोनों चीज़ों को। तो अगर मैन यूटिलिटेरियन है तो वो साथ ही साथ इंडिविजुअलिस्टिक भी है। तो इस वीडियो में हमने दो चीज़ देखा, स्टेट को हॉब्स कैसे डिफाइन करते हैं और यूटिलिटेरियन से उनका क्या संबंध है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पूरा हॉब्स की पूरी फिलॉसफी को इस पूरी सीरीज में कवर करेंगे। धीरे धीरे सारे पार्ट्स हम अपलोड करेंगे, जिसमें हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सॉवरेनिटी पे हॉब्स का क्या सोच है, सॉवरेनिटी से वो क्या समझते हैं, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की उनकी थियरी क्या है, क्रिटिकल इवेल्युएशन हॉब्स का, सब कुछ हम लोग पूरा इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ पूरा वीडियो अगर आपने देखा है तो उसको लाइक करिए,
शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।